ये स्वोका या स्पोका के सेंटेंसेस हैं। वी लगाओ चाहे पी लगाओ, वी तो वर्ब है, पी प्रेडिकेटर है जो बेसिकली वर्ब ही है। तो 54 सेंटेंसेस हैं, हम देखते हैं इन्हें। फर्स्ट है वी हैव बॉट अ न्यू हाउस, वी सब्जेक्ट है, हैव बॉट वर्ब, मैंने वी पी वर्ब फ्रेज लिख रखा है, आप सिर्फ वर्ब लिखो तो भी चलेगा। अ न्यू हाउस ऑब्जेक्ट, वो नहीं पूछ रहे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो आप सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखो। एस वी ओ, ही बॉट फ्लावर्स, एस वी ओ, फ्लावर्स से शुरू करके पैसिव हम बना सकते हैं। तीसरा, माई फैमिली एंड फ्रेंड्स लव मी, माई फैमिली एंड फ्रेंड्स सब्जेक्ट है, लव वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, आई एम लव्ड बाई माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। चौथा है चिल्ड्रन प्ले गेम्स हियर, हियर स्थान बोधक शब्द है, चौथी जगह आया इसलिए एडवर्बियल एडजंक्ट है, गेम्स तो ऑब्जेक्ट है। एस वी ओ ए इस सेंटेंस का पैटर्न, एस वी ओ ए, मैंने वी पी डी ओ आई ओ आपको समझ में आए इसलिए लिखा है, आपको वहाँ एस वी ओ कहाँ का जवाब देने वाला ए, इतना भी चलेगा। एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल एडजंक्ट मैंने आपको समझाने के पर्पज से दिया है, जो आपको सेंटेंस पैटर्न्स में वो वर्ब पैटर्न्स में हेल्पफुल रहेंगे। मदर कुक्स फूड इन द किचन, फूड इज कुक्ड बाय मदर, इसलिए ये तो एस वी ओ, कहाँ इन द किचन, एडवर्बियल एडजंक्ट, ए लिखोगे एस वी ओ ए। सिक्स, पीपल कुक फूड वेरी वेल, पीपल सब्जेक्ट, कुक फूड, कुक आपका वर्ब है, फूड, फूड इज कुक्ड बाय पीपल, एस वी ओ, कैसे कुक करते हैं, बात वर्ब पर जा रही है और इसलिए वेरी वेल एडवर्ब है। तो एस वी ओ ए, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने दे रखा है वर्ब फ्रेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एडवर्बियल एडजंक्ट, सेंटेंस पैटर्न है एस वी ओ ए। फादर इज अपस्टेयर्स, एस वी ए, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, तो एस वी जब थर्ड जगह एडवर्ब आए तो आप एडवर्ब लिख के ब्रैकेट में ए लिखो, आप एस वी ए और ब्रैकेट में आप कॉम्प्लीमेंट लिख दो। द ताजमहल इज इन आगरा, कहाँ, इन आगरा, एस वी ए ब्रैकेट में लिख दो कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि तीसरी जगह आ रहा है। दिस पिक्चर इज वेरी प्रिटी, इज एम आर वॉज वर के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है, प्रिटी एडजेक्टिव है, वेरी प्रिटी एडजेक्टिव फ्रेज है, तो एस वी सी, ए मत लिखना वहां जाकर क्योंकि कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव है इसलिए ए लिख दें, नहीं नहीं नहीं, एडजेक्टिव्स आर कॉम्प्लीमेंट्स, एस वी सी। फिर वी वेटेड इन द वेटिंग रूम फॉर 3 आवर्स, एस वी मतलब वी तो एस है, वेटेड वी है, कहाँ, इन द वेटिंग रूम फॉर 3 आवर्स, आप पूरा इन द वेटिंग रूम फॉर 3 आवर्स को अंडरलाइन करके एस वी ए कर दोगे तो भी करेक्ट है, क्योंकि और ना लिखो कॉम्प्लीमेंट एडजंक्ट तो भी करेक्ट है, क्योंकि इसमें दो एडवर्ब्स आ रहे हैं, इन द वेटिंग रूम जो कि कॉम्प्लीमेंट है, फॉर 3 आवर्स जो कि एडजंक्ट है, इसलिए आप एस वी ए लिख देंगे तो भी आपका आंसर कंप्लीट है। दे सेल बिस्किट्स एंड केक्स हियर, दे सब्जेक्ट, सेल वर्ब, बिस्किट्स एंड केक्स ऑब्जेक्ट, हियर ए, एस वी ओ ए, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने एडवर्बियल एडजंक्ट लिख रखा है क्योंकि हियर चौथी जगह आ रहा है। Somebody has broken his window. Somebody subject, has broken verb,
हिज विंडो ऑब्जेक्ट, हिज विंडो हैज बीन ब्रोकन बाय समबडी, एस वी ओ. हनी टेस्ट स्वीट, अब तक तो क्लियर हो ही गया होगा, एस वी सी. उसी तरह से द रोज स्मेल स्वीट, एस वी सी. द डॉग स्मेल्ट द लैम्प पोस्ट, द लैम्प पोस्ट वॉज स्मेल्ट बाय द डॉग. पैसिव बन रहा है इसलिए एस वी ओ. अब 16वें सेंटेंस को ध्यान से देखिए. रूल ये है, एक रूल ग्रामर का ये है कि वर्ब के तुरंत बाद इन, ऑन, एट, फॉर प्रेपोजिशंस आए तो फिर हम प्रेपोजिशन को वर्ब के साथ ही जोड़ते हैं. आपका 51, 52, 53, 54 ये सेंटेंसेस इसी के एग्जांपल्स हैं. परंतु इस सेंटेंस में नॉकिंग वर्ब के बाद एट प्रेपोजिशन आ रहा है. फिर भी क्या है, समबडी इज नॉकिंग कहाँ, दरवाजे पर. कहाँ का जवाब दे रहा है, एट द डोर, इसलिए एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है. एस वी ए कॉम्प्लीमेंट, एस वी ए ब्रैकेट में कॉम्प्लीमेंट. समबडी इज नॉकिंग कहाँ, एट द डोर. तीसरी जगह अगर प्रेपोजिशन के साथ कुछ आता है तो कहाँ और कब का जवाब दे रहा हो तो सर्टनली एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है. आप 51, 52, 53, 54 में फर्क समझ जाओगे कि उनका रूल अलग कैसे. द बॉय क्लाइम्ड द ट्री क्विकली, द ट्री वॉज क्लाइम्ड बाय द बॉय क्विकली. एल वाई वाले शब्द जनरली एडवर्ब्स होते हैं, इसलिए एस वी ओ ए चौथी जगह एडजंक्ट है, एस वी ओ ए. माय हाउस इज कहाँ, इन अ रिमोट एरिया, एस वी सी एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट. इसलिए आप एस वी ए और ब्रैकेट में सी लिख दो. दे स्प्रेड डी डी टी ऑन द मार्शेस, एम ए आर एस एच ई एस कीचड़, मार्शेस कीचड़, एम ए आर एस एच ई एस, फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर. दे सब्जेक्ट, स्प्रेड वर्ब, डी डी टी ऑब्जेक्ट, ऑन द मार्शेस फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर, पूरा ए कर दोगे तो भी चलेगा. एस वी ओ ए, ए ए है वैसे तो, ऑन द मार्शेस भी ए है एडवर्बियल एडजंक्ट, चौथी जगह आ रहा है. फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर पांचवी जगह आ रहा है, 100% एडजंक्ट है. फिर भी आप चाहो तो एस वी ओ पूरे को ए बता सकते हो, ऑन द मार्शेस फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर. आई मेट मोहन कहाँ, नियर द पोस्ट ऑफिस, एडवर्बियल एडजंक्ट, एस वी ओ ए. ही टोल्ड द चिल्ड्रन अ स्टोरी, द चिल्ड्रन से शुरू करके भी पैसिव बनेगा, अ स्टोरी से शुरू करके भी पैसिव बनेगा, इसलिए एस वी ओ ओ. द बैंक सैंक्शनड मी अ लोन, वही एस वी ओ ओ. मैंने आई ओ डी ओ आपके इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है. अब ये देखो 25वां सेंटेंस जो मैंने कहा था 51, 52, 53, 54 की तरह है. द चिल्ड्रन लाफ्ड एट द पुअर बेगर, इसमें कहाँ का जवाब नहीं आ रहा, किस पर, किसी व्यक्ति पर. इसलिए ऐसे सेंटेंसेस में लाफ्ड के बाद एट जो आ रहा है वो एज इट इज रहेगा. द पुअर बेगर से आप शुरू करो, द पुअर बेगर वॉज लाफ्ड एट बाय द चिल्ड्रन, तो ये आपका द पुअर बेगर वॉज लाफ्ड एट
by the children, S V O. उसी तरह से अगला, we are looking for a new house. Looking for phrasal verb है जिसका मतलब है ढूंढना. हम क्या ढूंढ रहे हैं? एक नया घर ढूंढ रहे हैं. A new house is being looked for by us. तो S V O, a new house आपका ऑब्जेक्ट है. They painted the house yellow. S V O C, yellow house. हमने कॉम्प्लीमेंट्स में कर ही रखा है. आई फाउंड द टैंक फुल, फुल टैंक एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है. द टैंक वॉज फाउंड फुल बाय मी, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. एस वी ओ सी. ही एंजॉयड द मील. कितना एंजॉय किया? वेरी मच. एंजॉय वर्ब पर बात जा रही है, वेरी मच. एस V O A, the meal was enjoyed very much by him. They buy fresh vegetables daily. Fresh vegetables are bought by them daily. कब? Daily. A. Adjunct है, चौथी जगह आ रहा है. मैंने सिर्फ कहीं ए लिखा है, कहीं एडजंक्ट लिखा है, आप समझ जाइए. वहाँ तो स्वोका में एस वी ओ सी ए ही मार्क करना है, बट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कहाँ कॉम्प्लीमेंट आ रहा है और कहाँ एडजंक्ट. एवरीवन न्यू द आंसर्स. द आंसर्स ओ वर नोन टू एवरीवन, इसलिए द आंसर्स ओ है एस वी ओ. टू एवरी वन, नो क्रिया बाई नहीं लेता, टू लेता है. एक्टिव पैसिव के बेसिक रूल्स आपको गूगल करके देखना पड़ेगा. द गार्डन इज वेरी प्रिटी. द गार्डन सब्जेक्ट इज वर्ब, कैसे? वेरी प्रिटी कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है. एस वी सी. आई फाउंड द बुक, कैसे? इंटरेस्टिंग. फाउंड पर नहीं जा रहा, इंटरेस्टिंग. बुक कैसी थी? इंटरेस्टिंग किताब थी, कॉम्प्लीमेंट. बुक कैसी थी? इंटरेस्टिंग थी, कॉम्प्लीमेंट. वी वेंट देर यस्टरडे, एस वी ए. देर तो आपका एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट है, यस्टरडे आपका एडवर्बियल एडजंक्ट है. आप एस वी ए मार्क कर देंगे तो भी चलेगा, देर और यस्टरडे को मिलाकर ए मार्क कर देंगे तो चलेगा. दे फाउंड द डॉग मिसिंग. दे सब्जेक्ट, फाउंड वर्ब, द डॉग ऑब्जेक्ट, कैसे? मिसिंग, मिसिंग डॉग, लापता कुत्ता, कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है. मिसिंग डॉग, खोया हुआ. कैसा कुत्ता? खोया हुआ कुत्ता. दे प्ले गेम्स रेगुलरली. दे सब्जेक्ट, प्ले वर्ब, गेम्स ऑब्जेक्ट, रेगुलरली. कब कब? रेगुलरली. ए एडवर्बियल एडजंक्ट, एस वी ओ ए. आई हैव बॉट अ न्यू फोन. अ न्यू फोन has been bought by me, S V O. This dress is new. This dress, S, is verb, kaisa? New, compliment, subject compliment hai, dress ke bare mein bata raha hai. Aapko S V C lagana hai. Verb patterns mein subject compliment, object compliment ye sab puchenge. The teacher took him, कहाँ? To the library. He was taken to the library by the teacher. The teacher subject, took verb, him object,
कहाँ टू द लाइब्रेरी एडवर्बियल एडजंक्ट या प्रेपोजिशनल फ्रेज जो भी है पर एस वी ओ ए द टीचर टुक देम टू द लाइब्रेरी सेम पैटर्न एस वी ओ ए द यंग मैन इन द रेड शर्ट पूरा द यंग मैन इन द रेड शर्ट सब्जेक्ट इज वर्ब मोहन कॉम्प्लीमेंट क्योंकि मोहन लौट कर द मैन इन द रेड शर्ट पर आ रहा है इसलिए मोहन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है बुक्स आर गुड कंपेनियंस बुक्स सब्जेक्ट आर वर्ब गुड कंपेनियंस इज एम आर वॉज वर के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आते हैं इज एम आर वॉज वर बिकम बिकेम इनके बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं और गुड कंपेनियंस अच्छे साथी नाउन इसे नाउन कॉम्प्लीमेंट है एस वी सी आप तो वहाँ एस वी सी लिखोगे दे नेम द बेबी रजत दे नेम द बेबी गुड्डी की तरह एस वी ओ और सी सी कॉम्प्लीमेंट है नाउन है क्योंकि किसी का नाम है पर एग्जाम में आप एस वी ओ सी लिखोगे अगर वो पूछते हैं नाउन कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट तो आप बताइए कि ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है नहीं पूछ रहे तो एस वी ओ सी पूछे तो लिखना गॉड इज भगवान क्या है हर जगह मौजूद ओमनी प्रेजेंट ओमनी सीएंट हर चीज को देखने वाले एस वी सी नाउन कॉम्प्लीमेंट हर जगह मौजूद रहने वाले हर जगह हर चीज़ को देखने वाले पावर नाउन कॉम्प्लीमेंटेड एस वी सी पीपल लाइक हिज कंपनी इज लाइक्ड बाय पीपल तो हिज कंपनी ऑब्जेक्ट इज लाइक्ड बाय पीपल अगला मैनी पीपल वॉच टीवी regularly TV is watched by many people किस क्रम में regularly तो एस वी ओ ए है ना रोज रोज देखते हैं बराबर देखते हैं तो ये समय बोधक ही है they consider him a genius he is considered a genius ये examples हम पहले देख चुके हैं आपकी revision के लिए genius कॉम्प्लीमेंट है नाउन कॉम्प्लीमेंट है पूछेंगे तो आप नाउन कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे अन्यथा आप एस वी ओ सी लिख कर आएंगे माई ग्रैंड मदर इज वेरी ओल्ड माई ग्रैंड मदर सब्जेक्ट इज वर्ब इज एम आर वॉज वर बिकम बिकेम के बाद ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट कैसी बहुत बूढ़ी इसलिए कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव एस वी सी लिख के आएंगे I felt comfortable कहाँ in the new house in the new house आपका A है comfortable C है क्योंकि पैसिव नहीं बनेगा comfortable से शुरू करके comfortable was felt by me नहीं बनेगा इसलिए comfortable C है I felt Cold, I felt hot, I felt comfortable, hot, cold, comfortable, compliments है I के बारे में बता रहा है दूसरा sentence जिसमें felt आ रहा है The doctor felt the child's bones. बेटा यहाँ दर्द हो रहा है यहाँ दर्द हो रहा है यहाँ दर्द हो रहा है Passive बना सकते हैं The child's bones were felt by the doctor. बन रहा है ये आपका SVO है Nobody went there on Monday. There भी adverb है स्थान बोधक On Monday समय बोधक S V A. It was a holiday. Is M R was were become became के बाद हमेशा compliment S V C. The children laughed at the poor beggar. अब इसको देखो The poor beggar was laughed at. The poor beggar स्थान बोधक समय बोधक नहीं है The poor beggar was laughed at
बाय द चिल्ड्रन, एस वी ओ. प्रेपोजिशन एट क्रिया के साथ ही रहेगा, द पुअर बेगर वॉज लव्ड एट, एस वी ओ. टेस्ट करके देखना पड़ेगा आपको कहाँ का जवाब दे रहा है प्रेपोजिशन फ्रेज, तो वो एडवर्बियल है. यहाँ कहाँ का जवाब नहीं दे रहा है, किस पर. दे कॉल्ड इन अ मैकेनिक, इन अ मैकेनिक में स्थान बोधक नहीं है, उन्होंने बुलवाया. कॉल्ड इन फ्रेजल वर्ब है, बुलवाना. किस को बुलवाया, मैकेनिक को बुलवाया. अ मैकेनिक वॉज कॉल्ड इन बाय देम. द मैनेजर कॉल्ड फॉर द फाइल, फॉर द फाइल नहीं, द फाइल वॉज कॉल्ड फॉर, मंगवाना, बाय द मैनेजर. द ऑफिसर लुक्ड इन टू, जांच पड़ताल करना. द मैटर, द मैटर वॉज लुक्ड इन टू बाय द ऑफिसर. तो इस एक्सरसाइज को आप बार बार रिवाइज कीजिए तो बैठ जाएगा.